तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि यूट्यूब का जो सब्सक्राइबर होता है उसको कैसे हाइड किया जाता है, जिससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और सीखते हैं कैसे जो अपना यूट्यूब का सब्सक्राइबर है उसको हाइड किया जाता है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको जो यूट्यूब स्टूडियो है उसको डेस्कटॉप मोड में इनेबल कर लेना है। जैसे कि ये डेस्कटॉप मोड में इनेबल है मेरा वाला, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है कॉर्नर में नीचे साइड। ये सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाके आपको जो यहाँ पर जो चैनल वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। चैनल वाले ऑप्शन में जाके आपको जो यहाँ पे जो इंटरफेस दिख रहा है उसमें आपको ये एडवांस वाले सेटिंग में जाना है। एडवांस वाले सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे जो ये दिख रहा है सब्सक्राइबर काउंट, इसको आपको ये इनेबल होगा, इसको आपको डिसेबल कर देना है। इस तरह से ये मेरा डिसेबल ही था तो यहाँ पर मैंने डिसेबल कर दिया इसको, और सिंपली इसको यहाँ पर आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देना है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर अपना चैनल खोल के दिखा देता हूँ, मेरा जो यूट्यूब का चैनल है। तो वहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो सब्सक्राइबर काउंट होगा वो हाइड होगा। मैं यहाँ पे अपना चैनल खोल दिया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये मेरा सब्सक्राइबर काउंट है जो हाइड है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे अभी मेरा सब्सक्राइबर नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, अभी आप सीख चुके हैं कि जो यूट्यूब का सब्सक्राइबर होता है उसको कैसे हाइड किया जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा।